फूडी खुराना की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली गाइस, आई रियली विश कि जल्दी जल्दी पैंडेमिक ओवर हो और हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ पहले की तरह होली सेलिब्रेट कर सकें। तो हमने कैसे यहाँ पे होली सेलिब्रेट की है? मैंने इनको कलर लगाया, इन्होंने मेरे को, और बस ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, लेकिन इनके पास ट्रेडिशनल कपड़े भी नहीं थे। मेरे पास ट्रेडिशनल कपड़े काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो इंडिया में हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने इंडिया जाना है, बहुत सारे ट्रेडिशनल कपड़े लेके आऊँगा, और पक्का जो रेसिपी वीडियोस हम शूट करेंगे वो ट्रेडिशनल कपड़ों में करेंगे, स्पेशली जब हमारे अपने फेस्टिवल्स आते हैं। तो अब हम चलते हैं होली से फूडी ऑफ द मंथ की तरफ और देखते हैं किसकी बन रही है रियल होली। हमारी मार्चिंग क्विज में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सबसे पहले मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, लेकिन चार ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे आंसर सही किए थे, और उन चारों में से एक ही होगा हमारा विनर। तो चलिए कंप्यूटर जी से पूछते हैं हमारा विनर। तो कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करते कि चक्री घुमाइए और बताइए कौन है हमारा फूडी ऑफ द मंथ मार्च 2021। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा। तो स्नेहा जीत चुकी है फूडी ऑफ द मंथ मार्च 2021। तो क्या मिलेगा स्नेहा को? स्नेहा जी को मिलेगा फूडी खुराना की तरफ से एक ब्रेड टोस्टर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट बहुत पसंद आने वाला है। तो उसी के साथ मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ हॉल ऑफ फेम को लाइए स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से तीन लोग हॉल ऑफ फेम में पहुँच चुके हैं, 9 जगह भी खाली है जिनको आप लोगों ने भरना है क्विज में पार्टिसिपेट करके। तो जिन लोग को नहीं पता, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एवरी वेंसडे यानी कि हर बुधवार रात को 8 बजे हम हमारे फेसबुक पेज फूडी खुराना पर एक क्विज डालते हैं, जिसको आंसर करने के लिए आपको 4 घंटे मिलते हैं, यानी कि रात को 12 बजे तक आप आंसर कर सकते हो। और आंसर कैसे करना है, बस आपको एक कमेंट करना है उस पोस्ट पे, और आप भी पा सकते हैं मौका गिफ्ट जीतने का। जी हाँ, रात को 8 बजे से 12 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हर वेडनेसडे हम ये क्विज डालते हैं। तो गाइस, हमने रेसिपी वीडियो शूट नहीं की होली के लिए, तो उसके लिए सॉरी, बट लेकिन क्या है कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर शूट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुजिया नहीं खानी, तो गुजिया जरूर खानी है, भले बाहर से लेके खानी है। हैप्पी होली।